आइए चलें जीडी ग्लोबल स्कूल की ओर। पढ़ेगा बच्चा, बढ़ेगा बच्चा, तरक्की करेगा। आजमगढ़ जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़, सेवा करने का अवसर जरूर दें, बच्चों का भविष्य सवर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद मऊ में विगत एक हफ्ते से अनवरत चल रही भीषण ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कड़ाके की ठंड में सबसे ज्यादा जरूरत गर्म कपड़ों की होती है। गरीब और लाचार बेबस असहाय यतीम बेवा पुजारी पुरोहित जाड़े की कड़कड़ाती ठंड में एक अदद कंबल पाकर बेरहम मौसम से अपना बचाव कर लेता है। इस भीषण ठंड को देखते हुए गरीबों और असहाय लोगों की मदद के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था स्थायी तौर पर गांव में नहीं की गई, लेकिन कई समाजसेवी संगठन आगे आकर इस महान पुनीत कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इसी क्रम में बीएसएस परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष अजीत कुमार पांडे, प्रदेश महामंत्री रवि मिश्र, उपाध्यक्ष विजय प्रकाश दुबे, जिला संरक्षक राजेश मिश्र व संगठन के साथियों द्वारा पूरे प्रदेश में मंदिर के पुजारी पुरोहित साधु सन्यासी गरीब मजलूम बेबस लाचार विधवा विकलांग असहाय व पीड़ित मानवता की हर संभव मदद की बात कहते हैं। पांडे ने कहा कि लाखों कंबल वितरित किया जाएगा और ये कार्यक्रम संगठन द्वारा अनवरत जारी रहेगा। मऊ के ब्लॉक दोहरीघाट की सबसे बड़ी ग्राम सभा गोठा में आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में कहा कि गरीबों के बीच आकर उन्हें कंबल प्रदान कर खुद को धन्य मानता हूं। आश्वस्त किया कि कंबल वितरण का कार्यक्रम गरीबों जरूरतमंदों को चिन्हित कर प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। वहीं बीएसएस परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष पंडित अजीत कुमार पांडे ने कहा कि कंबल वितरण का आयोजन इस कड़कड़ाती ठंड में काफी पुनीत कार्य है। उक्त कार्यक्रम आयोजित करना काफी सराहनीय है। उक्त अवसर पर गांव के शिवालय हनुमानगढ़ी रामशाला मंदिर के पुजारी महंत गंगादास, दीनानाथ, ब्रिज मोहन दास, रामेश्वर पांडे, काशीनाथ पांडे, सुमित्रा पांडे, सुशील गुलकारी, लालसा फुलवारी, मोती अनारी देवी, मदन गोपाल नाई, शांति देवी, गजानन आदि कई लोग उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित तिवारी की रिपोर्ट। मेरा नाम पंडित अजीत कुमार पांडे, मैं प्रदेश अध्यक्ष बीएसएस परशुराम सेना। ये कार्यक्रम जो है देखिए 4 तारीख से हम लोग का चलाया जा रहा है, 4 जनवरी से हम लोग का चलाया गया कि जो जनपद से साथ साथ प्रदेश स्तर पर जो मंदिर के पुजारी हैं उनको कम्बल वितरण का कार्यक्रम कराया जाएगा। उसी के कार्यक्रम के तहत आज गोठा में कार्यक्रम किया गया है और कार्यक्रम में मेरे बीएसएस परशुराम सेना के बहुत साथियों ने सहयोग किया है और हर जगह यह कार्यक्रम चलाया जाता है। जैसे कि कार्यक्रम के महामंत्री हैं हमारे रवि मिश्रा जी, विजय प्रकाश दुबे जी, राजेश मिश्रा जी, अन्य लोग साथी हैं उसमें सहयोग कर रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को इसी साल नहीं हर साल बढ़ाया जाएगा और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। जहां तक गरीबों की मदद करना है वहां पर जो है संगठन मदद करेगा। चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम संदेश देना चाहते हैं जैसे मेरा संगठन बीएसएस परशुराम सेना कर रहा है वैसे हर आदमी अगर सहयोग करे तो लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। लेकिन लोग इसका राजनीतिकरण करते हैं, इस राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, सहयोग की भावना होना चाहिए। लोग सहयोग करें तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे दरवाजे पर आता है, दुखिया आता है, जिसका आंसू मैं जरूर पोंछता हूँ, इतना काम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।